आप देख रहे हैं ग्रामीण टीवी समाचार। हमारी खबरों से अपडेट रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस बेल आइकन को भी दबा लें। जनपद संबल की चंदौसी तहसील परिसर में आयोजित समाधान दिवस में ऑल इंडिया उलेमा व मखाइक बोर्ड के जानिब से एक शिकायती पत्र तहसील दिवस में तहसील अधिकारी को दिया गया, जिसमें बोर्ड के सदस्यों ने कहा कि जराई गेट के कब्रिस्तान की चार दीवारी से सटकर बनी नाली बंद है, जिसकी वजह से बारिश के दिनों में कब्रिस्तान में गंदा पानी जाने से गंदगी फैलने के अलावा कब्रें क्षतिग्रस्त होती हैं। जिला ब्यूरो चीफ मुकेश कुमार के साथ हिमांशु शर्मा की रिपोर्ट। आज ऑल इंडिया उलमाए मशाइख बोर्ड की जानिब से ज्ञापन जो है तो तहसील अधिकारी को दिया गया है। उसके माध्यम से हम लोगों ने यह मांग की है कि ये कब्रिस्तान जो रेलवे क्रॉसिंग के पास है, इसमें जो है बरसात के दिनों में गंदा पानी जो है वो कब्रिस्तान के अंदर जाता है, जिससे कब्रें भी क्षतिग्रस्त होती हैं। इसको लेकर हमने एक ज्ञापन जो है वो अधिशासी अधिकारी नगर पालिका चंदौसी दिया था पिछले 22 तारीख में, लेकिन उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई उसमें और समस्या ज्यों की त्यों बनी हुई है। और जो अभी डिवाइडर बना है वहाँ पर कब्रिस्तान के करीब में, तो ठेकेदार ने और मिट्टी जो है इसकी बाउंड्री से लगा के कब्रिस्तान की बाउंड्री से लगा के मिट्टी डाल दी थी, जिससे समस्या और जो ज़्यादा है वो ख़राब हो गई। इसको लेके अब आज हमने ज्ञापन दिया है, मांग करिए कि इसमें जो है ये नाली जो बंद पड़ी है वहाँ पे कब्रिस्तान की बाउंड्री वाल से जो बराबर में जो नालियाँ हैं वो बंद पड़ी हुई हैं, उसको जो है वो खोला जाए, सफाई करी जाए, ताकि जो है बरसात का पानी कब्रिस्तान में ना जाए।